पहले जो वहां पे दुर्घटना में मृत्यु हो जाती थी तो मृत्यु के लिए 1 लाख रुपए दिया जाता था, उसको बढ़ाकर अब 2 लाख रुपए दिया जाएगा। बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली जो सबवे है, जो टनल है, उस योजना का रिवाइज प्रकलन अब आया है 542 करोड़, 542 करोड़ है। ये अंडरग्राउंड टनल है, दोनों म्यूजियम को जोड़ेगी। आज मंत्रिपरिषद ने 9 एजेंडों पर अपनी सहमति दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। कैबिनेट के बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मोहर लगाया गया। साथ ही साथ प्रवासी मजदूर एवं जीविका दीदी को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ, पहले आप इस वीडियो में देखिए। आज मंत्रिपरिषद ने 9 एजेंडों पर अपनी सहमति दी है। पहला एजेंडा श्रम संसाधन विभाग से है। आपको जानकारी होगा कि जो बिहार के मजदूर हैं, बिहार से जो अन्य राज्यों में कामगार हैं, जो काम करने जाते हैं, उनके साथ जब दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के लिए राज्य सरकार अनुदान की राशि देती है। पहले जो वहाँ पर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती थी तो मृत्यु के लिए 1 लाख रुपए दिया जाता था, उसको बढ़ाकर अब 2 लाख रुपए दिया जाएगा। स्थायी पूर्ण अपंगता जो है, पहले 75,000 दिया जाता था, तब उसको बढ़ाकर 1 लाख दिया जाएगा। और आंशिक अपंगता के लिए 37,500 दिया जाता था, जिसको बढ़ाकर 50,000। इस योजना का नाम आपको जानकारी होगा, इस योजना का नाम था बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना। ये 2008 में शुरू हुई थी। तो जो हमारे कामगार हैं, यहाँ से जो जाते हैं, अन्य राज्य में काम करते हैं, जैसा दुर्घटना होती है, तो इसी योजना के अंतर्गत जो राशि दी जाती है, अनुदान योजना, उसमें राशि को बढ़ा दिया गया है। तो ये पहला एजेंडा है जिस पर स्वीकृति दी गई थी। संख्या के रूप में ये 18-19 से है मेरे पास आंकड़े। तो लाभुकों की संख्या 18-19 में थी 121, 19-20 में थी 99, 20-21 में थी 91, 21-22 में थी 74 और 22-23 में थी 136। तो ये आंकड़े भी हैं, तो अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि दुर्घटना कब और कैसे होगी, बट जब भी दुर्घटना होगी तो उनके परिवार या उनके सदस्य जो हैं, जो भी हैं, वो क्लेम कर सकते हैं। और उनको कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिनाले म्यूजियम का उद्घाटन किया था, जिसमें और उसी में घोषणा के अनुसार बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली जो सबवे है, जो टनल है, उस योजना का रिवाइज प्रकलन अब आया है 542 करोड़, 542 करोड़ है। ये अंडरग्राउंड टनल है, दोनों म्यूजियम को जोड़ेगी और एक म्यूजियम से दूसरे म्यूजियम जा सकेंगे। तो ये एक योजना है जो स्वीकृति दी गई है। ये बिहार म्यूजियम है और पुराना वाला जो म्यूजियम है, दोनों म्यूजियम के लिए पहले इसकी राशि थी 300.54, 300 करोड़। इसमें एक बार बिड हुआ था, बिड के कारण एक तो पहले ज़्यादा हुआ, उसके बाद रिवाइज एस्टिमेट जो DMRC मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो बना रही है, उसने रिवाइज एस्टिमेट आफ्टर ऑल अपने जो कंस्ट्रक्शन का स्टडी करने के बाद DMRC ने उसका एस्टिमेट भेजा है जो 542 करोड़। लंबाई 1.5 किलोमीटर का टनल है और डायमीटर जो है, मतलब चौड़ाई जो है, तो अंदर वाला डायमीटर 6.1 है और बाहर का डायमीटर जो है वो 8 या 8 मीटर। तो अंदर से तो आपको 6.1 ही दिखेगा। इसमें 2023-24 का 100 करोड़ है, 2024-25 में 221 करोड़ है और 25-26 में 200, तीनों साल का मिला के 542। पहले हो जाएगा, बट जो प्रपोजल आया था उसमें 3 साल का प्रपोजल। पटना सीवरेज योजना जो पटना शहर में करमलीचक जोन विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक से जो STP निर्माणाधीन है, उसका भी रिवाइज एस्टिमेट आया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो अब ये 98.59 करोड़ का है, जिसमें 62 करोड़ आपका केंद्रांश है और 36 करोड़ आपका राजांश है। तो ये एक रिवाइज एस्टिमेट का है। नगर विकास का तीसरा प्रपोजल था, जिसमें शहरी क्षेत्र में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं,
अब उनका जो कार्य है सेल्फ हेल्प ग्रुप का कार्य, अब जीविका जो है जीविका के माध्यम जीविका अब शहरी क्षेत्रों में भी होंगे, तो जो जीविका के साथ अब एमओयू नगर विकास का जो एमओयू है उसके प्रस्ताव पर स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है, और अब जीविका के तर्ज पर जीविका जो संस्था है संगठित संस्था जो है, तो अब जीविका यहाँ पर भी शहरी क्षेत्र में भी काम करेगी, और सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनका भी निर्माण और उनका भी हैंड होल्डिंग है। अच्छा, अभी तो कुछ महिला औद्योगिक विकास में जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें डेवलपमेंट के लिए 409.33 करोड़ की परियोजना की स्वीकृति दी गई। इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र में ये करीब 29 औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए है, जिसमें सभी औद्योगिक क्षेत्रों में आपके नाला का निर्माण है, रोड का निर्माण है, कुछ जगह बाउंड्री वॉल का है, और सोलर स्ट्रीट लाइट है। तो ये सारे जो निर्माण है छोटे छोटे निर्माण है, जिसमें 30 करोड़ से लेके छोटी छोटी योजना है, 56 करोड़ भी है, तो सारे 29 औद्योगिक क्षेत्र के स्कीम है, तो 409.33 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुई है सभी 29 औद्योगिक क्षेत्रों में। मेसर्स दादी जी स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड है, यह प्रोत्साहन क्लियरेंस दिया गया, यह चिप्स स्नैक्स और नमकीन बनाएगी दनियावा पटना में, और कुल इसमें पूंजी निवेश जो है 66.99 करोड़ का है। मंत्रिपरिषद में एक और पूंजी निवेश था जिसमें मेसर्स एएफपी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हाजीपुर वैशाली का है, ये कुरकुरे पटाटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग करेगी, और ये 38.61 करोड़ का ये प्रस्ताव था, ये हाजीपुर का इंडस्ट्रियल यूनिट का है। पर्यावरण जलवायु विभाग में जो बिहार स्टेट डाइवर्सिटी बोर्ड है उसमें एक पद सृजन का है, साइंटिफिक ऑफिसर कम बायो स्पेशल एनालिस्ट है, एक पद संविदा का क्रिएशन है। श्रम संसाधन विभाग का प्रपोजल है जो नए आई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था है उसमें राघोपुर एवं गढ़खा हेतु स्थापना के लिए 86 पद का सृजन की स्वीकृति है, इस पर 4 करोड़ 68 लाख का व्यय होगा। यही 9 एजेंडा है जो तो अभी आपने देखा बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिस कैबिनेट की बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मोहर लगाया गया। साथ ही साथ जो प्रवासी मजदूरों को पहले 1 लाख रुपया दिया जाता था उसको बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दिया गया, और जीविका दीदी का पहले स्थानांतरण ग्रामीण इलाकों में होता था जो अब शहरी इलाकों में भी होगा। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों पर जुड़े रहे हमारे साथ, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।